राजस्थान में आज अलग अलग सड़क हादसों में 3 लोगों की जान चली गई। राजसमंद में एक प्राइवेट बस सड़क पर पड़े ऊंट के शव से बचने के प्रयास में वह पलट गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 26 लोग घायल हो गए। इन घायलों में 7 की हालत नाजुक है। हादसे के बाद वहां जाम लग गया। पुलिस ने क्रेन से बस सहित ऊंट का शव हटवाया, तब जाकर जाम खुल पाया। एक प्राइवेट यात्री बस गुजरात के सूरत से असिंध की ओर जा रही थी। इस बस में 35 यात्री सवार थे। बस नेशनल हाईवे 8 पर दिवेर थाना क्षेत्र के छापरी से निकल रही थी। यहां रात को एक ऊंट की हाईवे पर मौत हो गई थी। बस के ड्राइवर ने पास से निकालने का प्रयास किया, लेकिन स्पीड तेज होने के कारण बस ऊंट से टकराते हुए पलट गई। उधर बांसवाड़ा के शनिवार को पत्थरों से भरे एक डंपर और स्कूल बस की आमने सामने की भिड़ंत में 8 साल की छात्रा प्रतिज्ञा की मौत हो गई। इसके अलावा 6 विद्यार्थी घायल हो गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि डंपर से लदे पत्थर बस में शीशे तोड़ते हुए अंदर चले गए। सुंडी गांव में बांसवाड़ा से उदयपुर स्टेट हाईवे 32 पर यह हादसा सामने आया। चालक और खलासी मौका मिलते ही भाग गए, जिनकी तलाश की जा रही है।